हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 सितंबर से सेबी का जो नया रूल है वो लागू होने वाला है स्टॉक मार्केट में, और इसके अकॉर्डिंगली मार्जिन्स में कुछ नए बदलाव आए हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि कैसे मार्जिन कैसे क्या है और कैसे काम करता है और ये किस तरीके से हमारे ट्रेडर्स को अफेक्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंट्राडे लीवरेज, मतलब कि इंट्राडे जो लीवरेज हमें पहले मिला करता था उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आने वाले हैं या फिर रूल के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लाए गए हैं। तो सबसे पहले हम सब इसको स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं एक बार कि द पिग मार्जिन रिपोर्टिंग हैज बीन ब्रॉट अबाउट टू रेस्ट्रिक्ट ब्रोकर्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग एडिशनल लीवरेज ओवर एंड अबव व्हाट VAR plus ELM, ये जो है VAR plus ELM with minimum 20% for stock। तो ये VAR जो है वैल्यू एट रिस्क, जो कि जितना वैल्यू, जैसे कि अगर आप फंड में पैसा रखे हैं, डीमैट अकाउंट के फंड में अगर पैसा रखे हैं तो आपका वैल्यू उसमें घटता बढ़ता नहीं है जब तक कि आप ट्रेड नहीं लेते हैं। जैसे ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसका वैल्यू घटने बढ़ने लगता है। तो यानी कि जो जितना अमाउंट आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं वही उसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। यानी कि अब वो वैल्यू रिस्क पे आ गया है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, अब वो या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। तो उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं VAR, वैल्यू एट रिस्क। तो एग्जैक्ट जितना जो प्राइस होता है जो शेयर का, उतना नहीं लग के कुछ उसका कुछ 20%, जैसे कि 20% ऑफ द स्टॉक जो होता है बस उतना ही आपको वैल्यू एट रिस्क में देना पड़ता है, प्लस ELM। ELM जो होता है वो एक्सेस लॉस मार्जिन है जो कि ब्रोकरेज की तरफ से दिया जाता है, और ब्रोकरेज की तरफ से जो ELM प्लस VAR मिला के जो मिनिमम वैल्यू होता है स्टॉक का 20% होता है। जैसे कि अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि हम किसी एक शेयर को ले लेते हैं, लेट सपोज ब्रिटानिया को लेते हैं। तो ब्रिटानिया पे यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो प्राइस है 3997.5, तो वही सेम प्राइस मार्जिन रिक्वायर्ड पे भी दिखा रहा है 3997.50। कब? जब आप लॉन्ग टर्म पे यानी कि CNC पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसको MIS यानी इंट्राडे पे क्लिक कीजिएगा तो इंट्राडे पे क्लिक करने पे जो मार्जिन रिक्वायर्ड है ये चेंज हो जाता है 799.50, यानी कि इस वैल्यू का जो प्राइस वैल्यू है उसका 20% पे ही आ जाता है। यानी कि मिनिमम 20% आप वैल्यू एट जो रिस्क पे जो हम डालना चाह रहे थे अपने फंड में से, ये मिनिमम 20% ही हम डाल के आप ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इसी में हमारा VAR और ELM दोनों की इंक्लूडेड होता है। तो पहले का रूल ये था कि हम क्या करते थे कि मिनिमम सिर्फ इस प्राइस का सिर्फ 20% दे के ही हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करा सकते थे, और ये इतना प्राइस हमारे फंड में रहना चाहिए। पर अब क्या हो गया, अब ये रूल क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि अब ये 20% नहीं होके अब इसमें का जो जितना जितना का ट्रेड होगा उतना का पूरा हमको पे करना होगा, मार्जिन जो होगा वो पूरा का पूरा के साथ करना होगा, और इंट्राडे में कीजिए चाहे लॉन्ग टर्म CNC में कीजिए, दोनों में। आगे पढ़ते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वही चीज़ हो गया है कि SPN प्लस एक्सपोजर जो भी मिलता था, एक्सपोजर जो मिलता था ब्रोकर की तरफ से, और SPN जो कि स्टॉक का खुद का रहता था एक्सचेंज की तरफ से जो डिसाइड किया रहता था सेबी की तरफ से, तो वो अब क्या होगा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो अब देखेंगे कैसे कैसे इसमें चेंजेस लाए गए शुरू से दिसंबर 2020 से फरवरी में क्या चेंजेस लाए गए कि पेनाल्टी इफ मार्जिन ब्लॉक इज लेस देन 25% ऑफ द मिनिमम 20% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू। यानी कि VAR ELM मिला के जो भी 20% होता था, जैसे कि इसमें हुआ VAR और
एलएम मिला के जो 20% हुआ यानी कि 799, तो इसका भी 25% आपको आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि आपके फंड में होना चाहिए। इसका भी 25% आपके फंड में होना चाहिए, तब जाके आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। ठीक है, ये कब का रूल था? ये दिसंबर का रूल था कि 25% होना चाहिए किसका, उस 20% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू का जिसमें वीआर ईएलएम मिक्स है, या फिर अगर एफ एंड ओ ले रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो एसपीएन और एक्सपोजर मिक्स है। उसके बाद जो नया रूल आया मार्च 2021 से मई में, कि अब 25% नहीं भाई, आपको मार्जिन ब्लॉक जो करेंगे आप उसको 50% बढ़ा के रखना होगा, यानी कि जो भी 20% ट्रेडेड वैल्यू था उसका 50% आपके फंड में होना चाहिए। उसके बाद फिर नया रूल क्या आया कि अब उसका 75% हमको मिनिमम वैल्यू आपके फंड में होना चाहिए। अब उसके बाद अब जो नया रूल आया है कि जो पेनल्टी इफ मार्जिन ब्लॉक लेस देन 100% ऑफ द मिनिमम मार्जिन इज रिक्वायर्ड, यानी कि अब जो होगा कि जितना का ट्रेड किए हैं उसका उतना ही आपको फंड में रखना हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबा खैर।